अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रेवेन्यूज की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। रेवेन्यूज के डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि रेवेन्यूज अगर आप यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं कैश के अगेंस्ट तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, और सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं ऑन क्रेडिट यानी कि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है और अभी आपको पैसे नहीं मिले हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यूज होते क्या हैं। तो रेवेन्यूज आर बेसिकली द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज चार्ज टू कस्टमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए बिजनेस। यानी कि जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस के अगेंस्ट जब आप कोई भी सर्विसेज आप कह लें कि प्रोवाइड करते हैं या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट जो आप कस्टमर से चार्ज करते हैं वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। यानी अगर आप एग्जांपल ले तो कोई कंसल्टेंसी फर्म्स है और आप उनसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो वो फर्म बेसिकली आपसे उसके अगेंस्ट जो चार्ज लेगी वो उस फर्म का रेवेन्यू होगा। इसी तरह लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए या टीचर्स हो गए, तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं तो इनको अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट रेवेन्यू रिसीव होता है। इसी तरह अगर हम गुड्स की बात करें तो जो भी गुड्स है, आप कोई फर्नीचर परचेज करते हैं, आप कोई स्टेशनरी परचेज करते हैं, तो जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कंपनी आपसे कुछ बिजनेस आपसे उसके अगेंस्ट चार्ज करती है तो वो बिजनेस का रेवेन्यू होता है। सो रेवेन्यू मे बी अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज। अब हम देखेंगे कि रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग किस तरह होती है। रेवेन्यूज जो है वो बिल्कुल लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की तरह इनके रूल्स होते हैं कि यानी रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। कुछ हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, हम वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखते हैं और ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन है और देखते हैं हम इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं, यानी कि हम इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद है वो ट्रांजैक्शन अगस्त 3 की है, और अगस्त 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, company perform consulting services for 6,000 कैश। यानी कंपनी ने सर्विस परफॉर्म की है, सर्विस दी है, कंसल्टेंसी सर्विस दी है, सर्विस आपका ये रेवेन्यू है। और जब आप किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता है, और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो किस कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट कॉलम में। और उसके अगेंस्ट कंपनी को क्या मिला है, उसके अगेंस्ट कंपनी को कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश एसेट है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम किस कॉलम में लिखते हैं, एसेट। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेट्स के रूल पढ़े हैं, एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कॉलम में लिखते हैं। तो इसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग हम सबसे पहले किस तरह करेंगे, डेट हम लिखेंगे क्योंकि एंट्रीज हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो अगस्त 3 की हम बात कर रहे हैं। अगस्त 3 को सबसे पहले कंपनी को कैश रिसीव्ड हुआ है। कितना कैश रिसीव हुआ है, 6,000। ये कैश क्यों रिसीव हुआ है, क्योंकि कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड की है, कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसल्टिंग रेवेन्यू, ये कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। तो आप देख लीजिए रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। सो ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई, आपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है और उसके अगेंस्ट आपको कैश रिसीव हुआ है, दैट्स व्हाई हमने कैश यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। इंक्रीज एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है कि बिल्ड क्लाइंट्स। बिल्ड क्लाइंट्स का मतलब है क्लाइंट्स को बिल भेजा है, बिल क्लाइंट्स या क्लाइंट्स को बिल किया है। कितना किया है, $32,000 ऑन अकाउंट फॉर द कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अब ये वो कंसल्टेंसी सर्विस है कि जिसके अगेंस्ट आपको यानी कि आपको कैश नहीं मिला है, आपने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी है, अभी पैसे नहीं मिले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास डेट किसकी, कौन सी डेट की बात आ रही है, 7 की। पैसे नहीं मिले हुए, मिलने वाले हैं। जो पैसे मिलने वाले होते हैं उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, और एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। कितने अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, या फ्यूचर में कितने पैसे मिल जाएंगे? फ्यूचर में आपको पैसे मिल जाएंगे $32,000। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंसल्टेंसी रेवेन्यू या कंसल्टिंग रेवेन्यू लिख ले, और वो कितना हो जाएगा, वो आपको कितना रेवेन्यू आपने किया है, 32,000 की सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो अब आप देख लीजिए कि एक सर्विस के अगेंस्ट आपको कैश मिला है तो हमने कैश डेबिट कर दिया है क्योंकि पैसे मिल गए फौरन, और एक रेवेन्यू के अगेंस्ट आपको पैसे मिले नहीं हैं, मिलने वाले हैं, फ्यूचर में मिलेंगे। तो इस वजह से फिर हमने क्या किया है, इसको डेबिट कर दिया है रिसीवेबल्स को। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंट्री देखते हैं, उसमें क्या कहता है, रिसीव 30,000 फ्रॉम क्लाइंट बिल्ड ऑन August 7th, यानी August 7 को जो आपने क्लाइंट को बिल भेजा था उसमें से आपको कुछ पैसे मिल गए हैं। यानी कि ये आपने अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट ये आपने क्लाइंट को बिल भेजा था तो इसमें से पैसे मिल गए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 10 अगस्त, और पैसे मिल गए हैं तो आपके पास क्या चीज इंक्रीज हो गई है, कैश इंक्रीज हो गया है। कैश इंक्रीज कितना हुआ है, 30,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे $30,000, और किसके अगेंस्ट मिला है, अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट मिला है, यानी वो जो पैसे मिलने वाले थे तो ये पैसे मिल गए हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, उसको हमने क्रेडिट पे लिख दिया। तो एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो रेवेन्यू जब हम जब किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो या तो उसके पैसे आपको फॉरन रिसीव हो जाते हैं, जो पैसे फॉरन रिसीव हो जाते हैं उसके अगेंस्ट आप कैश डेबिट कर देते हैं, और अगर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है और पैसे नहीं रिसीव हुए हैं, फ्यूचर में मिलेंगे, मिलने वाले होते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं। और फिर ये बात आपने याद रखना है कि हमेशा रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है जस्ट less than 1% के रेवेन्यू आपको डेबिट करना पड़ जाए, और वो भी तब होता है कि अगर कोई एरर वगैरह हो जाए तो करेक्शन ऑफ एरर्स के अगेंस्ट उसको आपको डेबिट करना होता है। जस्ट लाइक एक्सपेंसेस के, एक्सपेंसेस भी हमेशा 99% केसेस में डेबिट होते हैं, तो रेवेन्यू भी हमेशा 99% केसेस में क्रेडिट होते हैं। रेयर इनके ऑपोजिट एंट्री होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। Take care, class.